नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायजा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौजूदात पर। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में 3 दहाइयों बाद सिनेमा हॉल का इफ्तिताह। आयुष्मान संगम का 2 रोजा शुमाली इलाकाई जायजा इजलास श्रीनगर में मुनक्किद। डिफेंस सर्विसेज इम्तिहान में पुंछ की बेटी की शानदार कामयाबी। कुपवाड़ा में T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप मुनक्किद। राजौरी के दूर दराज इलाकों में शोबे सेहत में बेहतरी दर्ज। वादी कश्मीर में सिनेमा की वापसी को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू और कश्मीर के इंतजामिया एक पेज पर हैं। इस ज़मन में कई अजला बशमूल गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में सिनेमा हॉल्स खोले गए, जहां लोग फिल्मों की दुनिया से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा ने हाल ही में शुमाली ज़िला बारामूला और हंदवारा में कसीरुल मकासिद सिनेमा हॉल्स का इफ्तिताह करके अवाम के नाम वक्फ कर दिया। इस पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 दहाइयों बाद बारामूला में 100 नशस्तों वाले कसीरुल मकसद सिनेमा हॉल का इफ्तिताह किया। ये कदम कस्बे में तफरी इख्तियारात की जरूरत को तस्लीम करने और मकामी बाशिंदों की मांग को समझने और महसूस करने के बाद उठाया गया। इसी रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हंदवाड़ा के लिए एक कसीरुल मकसद सिनेमा हॉल को अवाम के नाम वक्फ किया। देखिए, ये तो वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे ही शेरवानी हॉल में इसका इनॉग्रेशन आज ऑनरेबल एलजी साहब ने किया। मुझे लगता है हमारे यहाँ एक कल्चर है, एक आर्ट और एंटरटेनमेंट का, और हमारे काफ़ी बच्चे हैं जो चाहते हैं आर्ट्स में आगे जाना, सिनेमा में आगे जाना, और हम कोशिश करेंगे कि उन जैसे होनहार बच्चों के लिए भी हम कोई स्पेस प्रोवाइड करें उनको, ताकि वो भी अपना टैलेंट शोकेस कर सकें। मुझे तो लगता है कि सिनेमा तो हर घर में है, हर एक के हाथ में है, बट जैसे अभी कोई दोस्त से मैं बात कर रहा था, कह रहे सिनेमा में मूवी देखने का कोई लुत्फ, कोई मज़ा कुछ और होता है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा वेलकम स्टेप है। शुमाली कश्मीर में सिनेमा हॉल्स खोलने से लोगों को बड़े पर्दे पर फिल्मों से लुत्फ अंदोज होने और अपने अफराद खाना के साथ मयारी वक्त गुजारने और तफरी की एक मकबूल शक्ल में शामिल होने का एक मौका फराहम होगा। बारामूला में सिनेमा की आमद न सिर्फ वहां के बाशिंदों के लिए बल्कि मकामी मईशत के लिए भी एक कामयाबी तसव्वुर की जा रही है। इससे पहले भी यहाँ पे कई लोगों का रोजगार था, हमने सुनने में आया है कि हमने खुद नहीं देखा है, जब से बंद हुआ बहुत सारे ऐसे जिनका रोजगार यहाँ पे था वो बेरोजगार हो गए। आज फिर उसी कड़ी आ गई है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि यहाँ पे जिन बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और भी डेवलपमेंट हो जाएगा। आज कहीं प्रोजेक्ट को इनॉग्रेशन करने वाले हमारे श्री मनोज सिन्हा जी, हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक हॉल था जिसको जला दिया गया था, और हमने कहा कि जिस जगह को जला दिया गया है उसी को वहीं से शुरुआत करते हैं बारामूला की। तो ये एक 100 सीटर फर्स्ट डे फर्स्ट शो सिनेमा हॉल है, पठान से शुरू कर रहे हैं, गदर पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो करेंगे, जवान पे फर्स्ट डे फर्स्ट शो करेंगे, कुछ पॉपकॉर्न भी खिलाएंगे, कुछ बच्चों के लिए फ्री मूवीज़ भी चलाएंगे। सैटरडे संडे को सुबह सिर्फ स्कूल के बच्चों को हम NFDC के साथ मिलके पिक्चरें दिखाएंगे। हुकाम का कहना है कि इस इकदाम से ज्यादा सयाहों को कश्मीर की तरफ रागिब करने, रोजगार के नए मौके पैदा करने और सरमायाकारी को मजीद फरोग मिलेगा। उनका कहना था कि इस तरह के तरक्याती इकदाम से इलाके की मजमुई तामीर और तरक्की में मदद मिलेगी, जबकि ये जमीनी सतह पर बदलाव और तब्दीली को आयां करता है, जबकि ये मकामी हुकाम और स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों की भी अक्कासी करता है, जिन्होंने लोगों के ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम किया है। देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज कई एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर
वाटर सप्लाई स्कीम तथा मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल के उद्घाटन के अवसर पर बारामूला के नागरिकों के बीच पहुंचकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। डोलीपुरा, वडेराबाद, पंजुला, अचबल, दोयाबाग की वाटर सप्लाई स्कीम उन इलाकों के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जीवन रेखा साबित होगी और वहाँ के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगी। देखने में ये परियोजनाएं छोटी लग सकती हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की प्रतिबद्धता को पूरी तरह से दर्शाता है और इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि अब आर्थिक विकास में तेजी आई है और केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे हर जिले को, हर इलाके को, हर एक परिवार को प्रोजेक्ट और वेलफेयर स्कीम्स का लाभ मिल सके। बारामूला में सिनेमा हॉल खोलने का फैसला यकीनन मकामी कम्युनिटी के लिए एक अहम पेशरफ्त है। ये तफरीह के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा, मकामी मस्जिद को फरोग देगा और रिहायशियों में जोश और जज्बा पैदा करेगा। श्रीनगर में हालिया दिनों आयुष्मान संगम का दो रोजा शुमारी इलाकाई जायजा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें शिमाली खित्ते के 7 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के शोबे सेहत से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास का बुनियादी मकसद हिंदुस्तान के शिमाली खित्ते में आयुष्मान संगम प्रोग्राम की पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा लेना था। इस इजलास से क्या कुछ हासिल हुआ, आइए जानते हैं। आयुष्मान संगम का दो रोजा शुमाली इलाकाई जायजा इजलास श्रीनगर में मुनक्किद हुआ, जिसमें 7 रियासतों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख खितों के शोबा सेहत से वाबस्ता नुमाइंदों ने शिरकत की। चंडीगढ़ ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत स्कीम को बेहतर बनाने के लिए आयुष्मान संगम प्रोग्राम में हिस्सा लिया, ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम से फायदा उठा सकें। आप लोग जानते हैं कि आयुष्मान भारत और उसके साथ साथ कई स्टेट्स ने, जैसे कि JNK ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज भी दिया है, तो ये एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट रहा है, जिससे कि आम नागरिक को और विशेष तौर से जो लोग हैं जो कि डिसएडवांटेज्ड हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, उनको एक ज़रिया मिला है जिससे कि वो अपना इलाज करा सके और जो इकोनॉमिक बर्डन है वो गवर्नमेंट इसका उठाती है और 5 लाख का इंश्योरेंस पर फैमिली इसमें मिलता है। इसके बारे में चर्चा होगी जो इसमें और आगे कदम उठाए जाने हैं, जो डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में आगे प्रोग्रेस की जानी है, उस सब के बारे में चर्चा होगी। मीटिंग का मकसद हिंदुस्तान के शुमाली खित्ते में आयुष्मान संगम प्रोग्राम की पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा लेना था। तमाम 7 रियासतों के नुमाइंदों, सेहत की देखभाल के पेशेवर अफराद, पॉलिसी साजों और स्टेक होल्डर्स ने प्रोग्राम के नफाज के लिए चैलेंजेस, कामयाबियों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल करने के लिए मीटिंग में शिरकत की। आयुष्मान संगम प्रोग्राम का मकसद हिंदुस्तान भर के लोगों, खासतौर पर कम आमदनी वाले घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को सस्ती और काबिल रसाई सेहत खदमात फराहम करना है। एक्चुअली आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई बहुत अच्छी योजना है, जिसमें हिंदुस्तान का वो तबका जिनके पास कभी इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे उनको कवर करने की कोशिश की गई है और पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छी ये इम्प्लीमेंट हो रही है, स्टेट्स काफ़ी आगे बढ़ रही हैं और जो NHA है वो हर साल एक रिव्यू मीटिंग करती है नॉर्थ इंडिया की। आज यहाँ रिव्यू मीटिंग रखी है जिसपे हर स्टेट का, नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स हैं उनका प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे और आगे का नेक्स्ट ईयर का रोड मैप जो है वो उसको फॉलो करेंगे।
मीटिंग के दौरान शुरका ने प्रोग्राम के तहत सेहत खिदमात की मौसर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपने बेहतरीन तजुर्बात और तरीकों का इश्तराक किया। उन्होंने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी को बेहतर बनाने और फायदा उठाने वालों की शनाख्त और उनकी शमूलियत, कैशलेस इलाज के तरीकेकार, क्वालिटी कंट्रोल के इकदामात और सेहत के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन जैसे अहम मौजूआत के नफाज के अमल में किसी भी रुकावट को दूर करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी सी एवरी स्टेट इज इंप्लीमेंट्स इन ओन वे। We get the guidelines from National Health Authority, but then there is a different situation and conditions in every state. So we should, once we interact with the other states, we'll get to know ki how they have been doing their things and what are the best practices they are following, how are the fraud been taken care of, how the packages have been given to the people, how the empanelment of hospitals have been done, how the car saturation has been taken care of. So we will also do their things, and the best practice from our states will be shared with the other states so that they can go back and then implement those things. इस मीटिंग में शुरका को नेटवर्क, ख्यालात का तबादला और खित्ते में सेहत की देखभाल की बेहतर नतायज के लिए ताउन करने का मौका फराहम किया। श्रीनगर में आयुष्मान संगम की शुमाली इलाकाई जायजा मीटिंग ने प्रोग्राम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के अजम को उजागर किया। उन्होंने हिंदुस्तान के शुमाली खित्ते में सेहत की देखभाल के मतलूबा अहदाब को हासिल करने के लिए इश्तराकदारी और तावुन की अहमियत पर जोर दिया। पीर पंचाल खित्ते से ताल्लुक रखने वाले नौजवान, खास तौर पर लड़कियां, हर एक शोबे में नुमाया और मुतासर कुन कारकर्दगी दिखाकर कामयाबी की नई नई तारीखें रकम कर रही हैं। दर्जनों कामयाब तरीन लड़कियों में शुमार जिला पुंछ की बेटी शगुन शर्मा ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इम्तहान में ऑल इंडिया सतह पर 10वीं रैंक के साथ कामयाबी हासिल करके अपना, अपने वालदैन और जम्मू कश्मीर का सर फख्र से बुलंद किया है। शगुन शर्मा पुंछ की पहली तालिबा हैं जिन्होंने इस इम्तहान में कामयाबी हासिल की। कामयाबी से मजीद देखिए यह खास रिपोर्ट। सरहदी जिला पुंछ में नौजवान, खास तौर पर तालिबात कामयाबी की नई तारीखें रकम करके अपना, वालिदैन और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। इन्हीं तालिबात में शगुन शर्मा का शुमार होता है जिन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इम्तहान में ऑल इंडिया सतह पर 10वीं रैंक के साथ कामयाबी का ताज अपने सर पे सजाया। During the time of my graduation, I appeared for CDS exam. मैंने लगातार रिटर्न तो क्लियर किया, पर SSB इंटरव्यू क्लियर करने में मुझे प्रॉब्लम्स फेस हो रही थी। लेकिन आस्ता आस्ता करते करते, आफ्टर मीटिंग विद फेलियर्स, फाइनली आई सक्सीडेड इन माई सिक्स अटैम्प्ट एंड गॉट AIR 10, ऑल इंडिया रैंक 10। सो आई बिलोंग टू वेरी हम्बल बैकग्राउंड। माई फादर इज़ लेबॉरट्री असिस्टेंट इन गवर्नमेंट हाई स्कूल जलास, और मेरी मम्मा हाउसवाइफ ही हैं। हम तीन बहन भाई हैं और हमारी सबकी ही जो स्कूलिंग है वो जलास गांव से ही हुई है। इस कामयाबी के साथ शगुन शर्मा पुंछ जिले की पहली बेटी बन गई है जिसने कौमी सतह पर 10वीं रैंक के साथ बावकार CDS इम्तहान में कामयाबी हासिल की। पुंछ के सरहदी गांव झुल्लास से ताल्लुक रखने वाली शगुन शर्मा ने कहा कि सरहद पर मुश्किल हालात और गांव में तरक्याती सहूलियात की कमी के बावजूद कभी किसी दबाव में नहीं आई और हमेशा अपने इस हदफ का ताकुब करती रही। तो हमें बहुत खुशी है, गर्व है, मेरी अपनी ये बेटी है जो इसने हमारे गांव का, हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, J&K का नाम रोशन किया है। तो बाकी हम बॉर्डर के बिल्कुल करीब हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर फासला होगा, तो फैसिलिटी कोई नहीं थी जिस कारण, तो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए इसने इस मंजिल तक, इस स्टेज तक अपना कैरियर लेके गई है। तो हमें बहुत गर्व है, खुशी से कह नहीं सकते। इधर से पूंछ जाना भी बहुत मुश्किल था, कई बार जी ट्यूशन जाती थी तो शाम पड़ जाती थी, अंधेरा हो जाता था, फिर पापा इसको जाके लाते थे, कभी लविश भैया बेटा मेरा छोटा जाता था इसको लाने के लिए। तो बहुत मुश्किल से इसने जो है वो अपनी ट्यूशन भी थोड़ी बहुत, पहले तो इसने ट्यूशन लगाई नहीं, 11th 12th में थोड़ी लगाई थी, तो
तो बहुत मेहनत थी इसकी, रात को 2-2 बजे तक पढ़ना, कई बार 3 बजे तक पढ़ती रहती थी। जो आज उसकी मेहनत जो है वो सफल हो गई, इसकी भगवान ने सुन ली, तो हमारे घर में बहुत खुशी का माहौल है आजकल चल रहा है। शगुन शर्मा ने इंडियन आर्मी में शामिल होने का ख्वाब उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतासर होकर किया। शगुन ने अपनी इब्तदाई और सानवी तालीम जिला पुंछ में मुकम्मल की। 2021 में उन्होंने जम्मू यूनिवर्सिटी से नबातियात में मास्टर्स डिग्री के साथ ग्रेजुएशन मुकम्मल की। कौमी अहलियत इम्तहान के लिए मुंतखब होने के बाद शगुन शर्मा ने CDS इम्तहान की तैयारी शुरू कर दी, जबकि फौज की जानिब से उन्हें मुकम्मल तावुन भी मिला। यूथ को मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप ड्रीम्स देखिए, ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और डेफिनेटली सक्सेस आपको पक्का मिलेगी। बस आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए और आपकी मेहनत में कभी कमी नहीं आनी चाहिए। इवन इफ यू फेस फेलियर्स, फ्रॉम ईच एंड एवरी फेलियर यू लर्न समथिंग, उस चीज़ को ग्रास्प कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, सही टाइम पे आपको सही चीज़ पक्का मिलेगी। ये सरहदी गांव हमेशा सरहद पार से होने वाले हमलों का शिकार रहा है, जिससे रिहायशियों की मामूल की जिंदगी मुतासर होती है। ताहम बारूद के शोर में शगुन शर्मा ने कामयाबी की नई तारीख रकम की। वादी कश्मीर में स्पेशल क्रिकेट खिलाड़ियों की सलाहियतों को निखारने और इस टैलेंट को आगे बढ़ाने के मकसद के तहत सरहदी जिला कुपवाड़ा में 5वीं जम्मू कश्मीर T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन कुपवाड़ा के ताउन से शुमाली कश्मीर के गालिजो स्पोर्ट्स स्टेडियम में इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया, जिसमें 6 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया। पेशे सिलसिले में हमारी ये खसूसी रिपोर्ट। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन कुपवाड़ा के ताउन से शुमाली कश्मीर के गालिजो स्पोर्ट्स स्टेडियम में 5वीं जम्मू कश्मीर T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया। ये टूर्नामेंट नॉकआउट की बुनियाद पर मुनाकिद किया गया था, जिसकी मेजबानी कुपवाड़ा डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने की थी और इसमें वादी कश्मीर के 6 मुख्तलिफ अजला की नुमाइंदगी करने वाली टीमों ने हिस्सा लिया। जी आज हम गर्ल्स ग्राउंड में जो मौजूद हैं, यहाँ पे जो डीफ एंड डफ जो लोग हैं उनके हवाले से आज यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और डीफ एंड डफ एसोसिएशन ने जो यहाँ पे एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा हुआ है इनके लिए और यहाँ पे ये 2 दिन से चल रहा है, तो इस हवाले से आज हम भी यहाँ पे मैच देखने आए हैं, तो इसमें हम भी लुत्फ़ उठा रहे हैं इस मैच का। तो इनके लिए ये एक अच्छा स्टेप उठाया है अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कि किस तरह से यहाँ पे इनको भी एक सपोर्ट मिल रहा है। मेजबान जिला कुपवाड़ा इस चैंपियनशिप का फातह रहा। इस चैंपियनशिप के मुंतजमीन के मुताबिक इस चैंपियनशिप के इनाकात का बुनियादी मकसद इन खसूसी अफराद को एक प्लेटफॉर्म फराहम करना है, ताकि हुकूमत इन खिलाड़ियों को तालीम देने के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करे। ये वो बच्चे हैं, ना ये बोल सकते हैं ना एक सुन सकते हैं, तो आज दूसरा दिन है इन इस टूर्नामेंट का। अब ये चाहते हैं कि इस कुपवाड़ा में जो आज पहला दिन है इसमें आज क्रिकेट हुआ, ये चाहते हैं कि आगे भी जो आने वाले दिनों में हम वॉलीबॉल और फुटबॉल और क्रिकेट मुख्तलिफ मतलब गेम्स ये खेलना चाहते हैं। डेप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा का कहना है कि जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट डेफ स्पोर्ट्स एसोसिएशन कुपवाड़ा के ताउन से ये टूर्नामेंट मुनाकिद किया है, जिसमें 6 टीमों ने हिस्सा लिया। हर टीम ने अच्छा खेला और कुपवाड़ा ने टूर्नामेंट जीत लिया। डेप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने सीनियर पुलिस और सरकारी अफसरान के साथ इस तकरीब में शिरकत की और जीतने वालों में इनामात भी तकसीम किए। टोटल 6 टीम थी, हम फाइनल मैच में ही आ पाए और सबने बहुत अच्छा खेला और कुपवाड़ा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इस बार जीता है एंड हम सबके सब उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत बढ़िया खेला सबने। और जहाँ तक कि उनकी डिमांड्स और उनकी नीड्स की बात है, तो हम सब उनके साथ बैठकर एक प्लान चार्ट आउट करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम साथ मिलकर जितनी भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं इनको रिजॉल्व करें।
T20 डेफ क्रिकेट चैंपियनशिप का बुनियादी मकसद स्पेशल नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों की मदद और उनके मसाइल के हल के लिए एक मंसूबा है। मकामी बाशंदू ने मुतलिका महकमों के इस इकदाम को काफी सराहा क्योंकि इस किस्म के इवेंट से स्पेशल खिलाड़ियों की सलाहियतों में इजाफा होगा। पीर पंचाल के सरहदी जिला राजौरी में सेहत के बुनियादी ढांचे को वसत देने से दूर दराज और सरहदी इलाकों में रिहायश पसीर लोगों को घर की दहलीज पर आला मयारी तिबी सहूलियात फराहम हो रही है। हाल ही में जिला हेडक्वार्टर से 75 किलोमीटर के फासले पर वाका कालाकोट ब्लॉक के तारियात गांव में एक सेहत मरकज कायम किया गया। मकामी लोगों ने इलाके में सेहत मरकजी नई इमारत आमिर करने पर हुकूमत के इस इकदाम को काफी सराहा है। आइए देखते हैं इस सिलसिले में हमारी यह खास रिपोर्ट। राजौरी जिले के दूरदराज इलाकों में शोभा सेहत के बुनियादी ढांचे में नुमाया बेहतरी आने से लोगों को घर की दहलीज पर अब मयारी तिबी सहूलियात मयसर हो रही हैं। इस जिम्मे में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर राजौरी से 75 किलोमीटर मसाफत पर वाका कालाकोट ब्लॉक के तारियात गांव में एक सेहत मरकज कायम किया गया है। मकामी लोगों ने इलाके में सेहत मरकज के क्याम पर इत्मीनान का इजहार किया। पहले तो हम यहाँ से जाते थे सुंदरबनी, तो कई दफ़ा ऐसा होता था हमारा पेशेंट यहाँ से निकलता था तो सर रास्ते में डेथ हो जाती थी क्योंकि सड़क की भी थी परेशानी थी। वो आज ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ पे कोई भी पेशेंट ऐसा हो तो वो यहीं पे उसको ट्रीटमेंट हो जाता है और हर चीज़ की उसको सहूलत हो जाती है। राजौरी के दूर दराज तारियात गांवों में 90% लोग खत इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करते हैं और उनका ताल्लुक कबायली तबके से है। यह मकामी लोग मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के लोगों को हर तरह की मयारी तिब्बी सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। तिब्बी मरकज के क्याम से यहां लोगों को घर की दहलीज पर आला मयारी तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही है और उन्हें अब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का रुख करने की जरूरत नहीं पड़ती। सर यहाँ से अभी तो कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं, गाड़ी का फोन करते हैं गाड़ी मिल जाती है, बाकी रात के 1-2 बजे भी आते हैं तो हमको डॉक्टर मिल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पहले तो बहुत परेशानी थी, यहाँ से सुंदरबनी जाना, सुंदरबनी नहीं तो जम्मू जाना पड़ता था, अभी किसी किस्म की कोई इधर परेशानी नहीं है सर। हुकाम का कहना है कि तिब्बी मरकज में मरीजों का मुफ्त मुआयना किया जाता है। मुफ्त टेस्टिंग सहूलियत जिसमें एक्सरे अल्ट्रासाउंड वगैरह शामिल है के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती हैं। उनका कहना था कि मरीजों को आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत तमाम तिब्बी सहूलियत फराहम की जाती है। लोग काफी यहाँ पे खुश हैं, यहाँ पे गायनी की भी हम ओपीडी कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीवरी भी हो रही है हमारे यहाँ पे, एक महीने में एवरेज डिलीवरी हमारी 10-12 हो जाती है, तो उस हिसाब से काफ़ी फर्क पड़ा है पहले 4-5 सालों से, तो और अब 4-5 सालों में जब से हमने बिल्डिंग यहाँ पे शिफ्ट की है तो हमारे पास बिल्डिंग की कमी भी दूर हो गई है और साथ साथ में हमने यहाँ पे लोगों का जो हमारी आईपीडी है वो भी बढ़ गई है हमारी। सेहत मरकज की नई इमारत तामीर करने से ज्यादा मरीजों के इलाज की गुंजाइश हो गई है। जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहला मौका है कि मकामी लोग अपने ही गांव में बेहतरीन तिबी सहूलियात पा रहे हैं। नाज़रीन इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पज़ीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा इस बारे में आप हमें अपनी राय बदलता मंजर कश्मीर @gmail.com पर भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।